तो हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो अपनी बिल्डिंग से निकलती हूँ और चलती हूँ, दिखाती हूँ आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। पीछे बैठी है मेरी बेटी जो कि मेरे व्लॉग से बचती रहती है हमेशा। चलिए हम चलते हैं। ये देखिए शो चल रहा है बुर्ज खलीफा पे, हर आधे घंटे में चलता है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, धीरे 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 मैं इसको डालती रहूँगी, आप देखते रहिए। शाम तो हसीन है ही, साथ में जो तरक्की पसंद शहर होते हैं ना, कमाल के होते हैं वाकई में। कभी कभी तो मेरा ऐसा जी चाहता है चाय लूँ और गाड़ी में बैठ जाऊँ और बस यूं ही सड़कों पे फिरती रहूँ, घूमती रहूँ, देखती रहूँ खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत जगह, खूबसूरत बिल्डिंग्स। पता है आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ लामेर। यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, बंगले हैं यहाँ पर, बिल्डिंग्स कम हैं। और लामेर एक मार्केट भी है, बीच भी है, जो कि मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही बस खूबसूरती तलाश कर रही थी, तो मैंने सोचा आज लामेर के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। तो ये है लामेर, पार्किंग हमें मिल गई है और चलते हैं इस चमक धमक खूबसूरत सी जादुई दुनिया में। सो गाइज़, यहाँ पर क्या होता है ना कि एक पेड़ भी जो ऐसे ही अंधेरे में है उसको भी इतने खूबसूरती से सजाते हैं लोग। ये देखिए किसको पड़ी है यार एक पेड़ को इतनी खूबसूरत से सजाने की। एक साइड में इधर बीच है और एक साइड में मार्केट है। ये है लामेर। तो चलिए मैं दर्शन कराती हूँ लामेर की खूबसूरती से। अच्छा एक बात देखी मैंने यहाँ पर, जैसे बिल्डिंग डिज़ाइंस की जाती है ना यहाँ पर अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन, कोई किसी से नहीं मिलता, ऐसे ही यहाँ पर लाइट डिज़ाइनिंग का भी बहुत ही मतलब प्रकोप देखा मैंने। हर जगह जो है अपनी लाइटिंग का अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही तरीके से सजा रखा है उन्होंने लाइट से। अब ये देखिए ना, ये छोटा सा पेड़ है, इसको बल्ब से भर दिया गया है। ये देखो छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर, सैकड़ों पेड़ हैं जिनको इतनी खूबसूरती से सजाया गया है। पीछे एक नौका सी पड़ी है क्योंकि यहाँ बीच है ना पास में, आप देख रहे हैं। जी चाहता है बस यूं ही अपने आप को ढूंढा जाए, किसी को किसी की यहाँ ज़रूरत नहीं, ऐसा शहर है ये। यहाँ वाकई किसी को किसी की ज़रूरत नहीं, इतना खूबसूरत शहर है। तो मैं हूँ लामेर में और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है मेरे पीछे चार्जिंग बॉक्स। ये है बस चार्ज करने का स्टेशन। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये है बस चार्ज करने का स्टेशन। अब ये हर स्टॉप पे इस तरह लगाया जाएगा। ये एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट है जो दुबई में अभी शुरू किया गया है, ये अभी ट्रायल पे है। तो इसे अब हर बस स्टॉप पे लगाया जाएगा, जैसे ही बस रुकेगी और ये उसे चार्ज कर देगा। तो आने वाले वक्त में आप इसे हर बस स्टॉप पे देखेंगे। गाइज ये इतना बड़ा है कि पूरा आप नहीं घूम सकते हैं चंद घंटों में। इसके लिए आप अगर शाम को 5 बजे आते हैं, रात को जाते हैं, तो आप बीच भी कवर कर सकते हैं और आप मार्केट भी कवर कर सकते हैं, कैफ़े शॉप वगैरह काफ़ी अंदर है। तो आज तो थी बहुत गर्मी जिसकी वजह से मैं यहाँ शूट नहीं कर पाई, फिर भी मैंने 2-4 शायरी शूट की है। तो आप देख ही रहे हैं मैं हूँ लामेर में और लामेर में देख रही हूँ ये खूबसूरत सा पेड़ और इसके ऊपर ये सजा हुआ बल्ब। अच्छा ऐसा नहीं है यहाँ पर हर जगह ऐसे ही सजा के रखा है इन्होंने। जब भी मैं शाम को बड़ा ही उदास होती हूँ और मुझे शांति भी चाहिए होती है और मुझे हॉट एंड हैपनिंग भी चाहिए होता है, तो मैं यहाँ चली आती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बहुत सारे टिकटॉक इंस्टाग्राम शूट किया और फिर उसके बाद सोचा थोड़ा अंदर जाके कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन वाकई में आज बड़ी गर्मी है तो दिन में क्या ही रहा होगा गर्मी का आलम। तो रात हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन 7 बज रहे हैं, 7:30 के आसपास, और बड़ी गर्मी है। चलिए अब मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये है लामेर साउथ। कभी कभी मैं ऐसे शहर को देखती हूँ तो सोचती हूँ क्यों हम कुछ बनना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, क्यों हम अंदर से खोखले हैं बाहर से रंगीन हैं, क्यों तन की सजावट ज़रूरी है, मन की शांति काफ़ी नहीं,
क्यों चेहरे की मुस्कान काफ़ी नहीं, औदे की चमक ज़रूरी है। क्यों हमारी मुस्कान हमारा धन नहीं, क्यों हमारा सुकून हमारी कामयाबी नहीं। क्यों कोई औदा बड़ा तो कोई छोटा है, क्यों राजगद्दी पाना ज़रूरी है, क्यों पैसों की गिनती ज़रूरी है, खुशियों की गिनती काफ़ी नहीं। चलते चलते जब भी मैं ऐसे शहर को देखती हूँ, हम क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ। चलिए गाइस, अब करती हूँ वीडियो का मैं एंड। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।